नमस्कार दोस्तों, डिजिटल लाइटिंग इंडस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ एलईडी बल्ब बनाने के लिए जो मशीन का उपयोग होता है उसको क्या नाम है क्या नहीं है, वो हम लोगों का सर जो टेक्नीशियन है वो आपको बताएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर आप चैनल में नया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज मैं आप लोगों को कुछ दिखाने वाला हूँ, अगर लाइट कैसे बनाते हैं उसके बारे में आपको मैं कुछ दिखाने वाला हूँ, मतलब कौन सा पार्ट से कैसे बनता है लाइट, जो उसका मशीन कुछ दिखाने वाला हूँ। तो पहला है ये हमारा पंचिंग मशीन, इसको हम जो होल्डर जो सेट करते हैं B22 कैप जो है हम लोग उसको सेट करते हैं B22 कैप, तो इसको ये है B22 कैप, और हमको ये हम लोग यहाँ पे ऐसे लगा के, मतलब हम लोग का सिस्टम अभी नहीं किया है, सिस्टम यहाँ पे लगाना पड़ता है इसीलिए, अभी दिखाने वाला हम लोग के साइड में लगा हुआ है इसीलिए नहीं दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों हम आज टिक्की फिटिंग मशीन, इसको इसका नाम है टिक्की फिटिंग मशीन, तो कैसे फिट करते हैं ये आपको दिखाने वाला हूँ। ये बल्ब को ऐसे लगा के इस स्टेप को, मतलब ये टिक्की को मतलब ऐसे रख देना चाहिए, इसमें रख के इसको ऐसे प्रेस करना चाहिए, पूरा शेप मिला के प्रेस करना चाहिए। प्रेस करने हमारा ये मशीन के साथ ये एक बड़ा बॉडी फिट करने वाला मशीन है, मशीन मतलब इसके साथ आता है, और ये छोटा बॉडी के लिए, तो ये यहाँ पे रख कर मतलब प्रेस करना चाहिए, इसीलिए ये मशीन आता है। तो दोस्तों ये है हमारे स्क्रू फिट मशीन, मतलब स्क्रू ड्राइवर फिट, जो इसको स्क्रू फिट करते हैं वो मशीन है। तो ये वाला है मशीन, ये दो ड्राइवर पाया जाता है, मतलब छोटा स्क्रू के लिए और बड़ा स्क्रू के लिए। ये वाला है मशीन टू, जो स्क्रू टाइट करने वाला। और आपका ये जो मशीन है इसमें आप ये वाला सेट करने का प्लेस है यहाँ पे, इसको हम ऐसे सेट कर देते हैं। लो सेट हो गया, ये सेट होने के बाद इसे हम ऑन करते हैं। इसको ऑन करते हैं तो देखिए ये ऑन ऑफ का स्विच है, तो ऑन कर दिए हम। और ये है आपका हाई स्पीड लो स्पीड, मतलब 1 2 3, मतलब 3 स्टेप में चलता है। तो ये है 1, ये है 2, ये है 3। तो हम लोग चलो 1 से शुरू करते हैं। 1 ये वाला मशीन है, ये ऐसे घूमता है, मतलब ये लगाना पड़ता है इसमें। तो अभी ये एक सेकेंड दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये मशीन वो जो ये फिट कर दिया मैंने। तो इसको फिट करने के बाद ये जो स्टेप देख रहे हैं इसी से स्क्रू ड्राइवर फिट होता है, इसे घुमाने के बाद, और इसको बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ाने से ये स्पीड और ये बढ़ाने से फुल स्पीड, इतना तक रहते हैं 1 2 3 पर बस। मैं आपको दिखाना हूँ शोल्डर आयरन, ये वाला है शोल्डर आयरन, जो हम लोग झालाई वगैरह करते हैं, इसीलिए इसको इसका इस्तेमाल चाहिए। और आपका ये है काटर, वायर काटर जो है हम लोग वायर काटने के लिए ये काटर यूज़ करते हैं। और ये है वायर स्टीपर एंड काटर, इसको हम इस यूज़ करते हैं क्योंकि वो वायर मतलब निकालना पड़ता है ना कभी, तो इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं इसी को। तो और ये है आपका सोल्डरिंग पेस्ट है आपका, वो हम लोग ये जब ढलाई करते हैं, मतलब ढलाई करने का टाइम में ये हम लोग को काम देता है, मतलब हम लोग इसका इस्तेमाल चाहिए। और ये है सोल्डर वायर, ये वाला है छोटा वाला और ये वाला है बड़ा वाला, तो दोनों यूज़ करते हैं, मतलब हम इसके साथ ही ये तीन हम एक साथ ही यूज़ करते हैं, और ये वाला काटने का चीज़ है। हाँ दोस्तों, ये हमारा हीट सिंक कंपाउंड जो काम करता है वो हमारा एलईडी के बैक साइड में लगाना पड़ता है। एलईडी जो होता है एलईडी के बैक साइड में लगाते हैं क्योंकि वो हीट करने के लिए थोड़ा बहुत वो हीट होता है, इसीलिए ये हीट सिंक कंपाउंड का ज़रूरत पड़ता है।
और ये जो पहले मैं मशीन दिखाया था वो मशीन का स्क्रूप है, ये स्क्रूप जो एलईडी में साइड साइड में दो लगता है स्क्रूप, ये वो स्क्रूप है। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरा हम लोगों का नया वीडियो आप पाने के लिए धन्यवाद। और अगर आप कुछ रॉ मेटल चाहिए, आपको लोगों को कोई रॉ मेटल चाहिए तो भी मिल जाएगा, और अगर आप कुछ मशीन का वगैरह में आप जानना चाहते हैं, अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारा यहाँ पे टेक्नीशियन नोट भी है, आपको टेक्नीशियन से सीखने को भी मिल जाएगा और ट्रेनिंग भी ले पाएंगे आगे यहाँ पे, सब कुछ ये मतलब हो जाएगा, या यहाँ पे कोई तकलीफ़ नहीं होगा, मतलब सब कुछ मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक्स।